हाय फ्रेंड्स, व्लॉग स्टार्ट होने से पहले मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूं कि कल मैंने दो आउटफिट में फोटो क्लिक किए थे। आपको कैसे लगे आप मुझे बताइएगा। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदी सबक जहाँ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। दिन ब्लॉग नहीं बनाया फ्रेंड क्योंकि अम्मी का जो रूट कैनाल कराया था उसमें बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ गई थी, तो अभी डॉक्टर ने उसे ओपन कर दिया और उन्होंने बोला थोड़ा सा रुक रुक के करें क्योंकि एकदम से करने में कभी कभी कोई दांत जो है वो नहीं ले पाता है। तो अभी अम्मी काफी बेटर है और आज क्या क्या करेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे, तो इस ब्लॉग में बने रहिए। अम्मी 5 मिनट के लिए मिलने गई थी और इतनी देर से आई है। और देर से आती जी ने बुला लिया था। अच्छा, मिल लो तो मैंने आज किचन की फ्रेंड्स पूरी देखे, यहाँ पे सफाई हो गई है, बहुत साफ साफ लग रहा है। तुम भी दिख रही हो, हंस दो तो क्योंकि 12 रबीउल अव्वल आ रहा है, 12 वफ़ात आ रहा है, कब है, 2-3 दिन बाद, तो उसकी तैयारी शुरू हो गई, किचन का काम हो गया। अम्मा निकल सकती हो, चलिए जाओ अभी। और अभी बचा है यहाँ ड्राइंग रूम का। आपको यहाँ पे सब कुछ बहुत बिखरा बिखरा दिख रहा होगा लेकिन 1-2 दिन में एकदम सब कुछ ठीक हो जाएगा। जाने के लिए मैंने वाली शर्ट निकाल ली है क्योंकि कुछ सिंपल सा पहन के जाएंगे क्योंकि काफी काम है। और मम्मी को भी निकल जाने दो। जाने के लिए मैंने शर्ट निकाल ली है, मैं अम्मी के साथ जा रही हूँ क्योंकि मुझे काफी सारे काम है और अम्मी की गाइडेंस के बिना वो चीजें नहीं हो पाती है, तो मैं ये पहन लूंगी और जल्दी से रेडी हो जाएंगे। क्या आया? Amazon से आया है। यहाँ के लिए बहुत ही अमेजिंग सी घड़ी ऑर्डर की थी, अभी जब तक आई नहीं थी, वो भी आपको दिखाएंगे। और ये सोफा कवर फ्रेंड्स अब फटने लगे, बेचारों ने तो अपनी जान दे दी है, तो काफी ज्यादा यहाँ से कहीं से फटा था। हाँ, ये देखो ये फट गया, ये काफी टाइम से पड़ा हुआ था, तो निकल रहा है। जब ऊपर काम वाले भैया से बोल के आओ ना ये लगा दे POP, ये बहुत गंदा लग रहा है। काफी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि आप कैसे हिजाब बांधते हो, तो पहले आप इस तरह से अंदर जो है बनाने का वो बनाना सीख लो, इसके बाद बाहर का तो बहुत इजी है। ये भी मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ इस तरह से, और उसके बाद इधर इधर करना है, बस इधर ले लेना। जब अभी जल्दी जल्दी में बता रही हूँ तो सही से नहीं हो पा रहा है, तो अच्छे से प्लेन कर लें कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ना उठाओ। आप अच्छे से उसको अगर फोल्ड कर लेंगे तो वो नहीं उठेगा, ऐसे गठान बना ले। तो मैं इसके साथ ये, वैसे रिजा ये ऑरेंज लग रहा है, पिंक नहीं लग रहा, लिख सके ना फ्रेंड्स, मैं निकाल के लाती हूँ। अब इसके साथ ये, वैसे इसमें भी चेक्स है और ये ज्यादा अच्छा लगेगा। बहुत कंफ्यूजन है मुझे हिजाब कलर चूज करने में, कभी कभी एकदम ब्लैंक हो जाता है कौन सा चूज करो, लेकिन यही ठीक है क्योंकि ये कॉटन है तो ये खसकेगा नहीं। देखा मैं कितनी जल्दी रेडी हो गई हूँ, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता तैयार होने में। मैंने जल्दी सबसे पहले सनस्क्रीन लगाया, पहले चेहरा धोया फिर सनस्क्रीन लगाया, उसके बाद मैंने बीबी क्रीम लगाई और टिंट लगा लिया। लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है मेरा चेहरा थोड़ा सा डल लग रहा है क्योंकि मेरी आंखें थोड़ी सोई सोई लग रही है क्योंकि मैं आज लेट सो के उठी हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं काजल भी लगा लेती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स आपको एक और इंपॉर्टेंट बात कहनी थी, जैसे आपने हमेशा सुना होगा कहा जाता है कि आवर आईज आर द विंडोज टू आवर सोल, हमारी आंखें बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे लिए, लेकिन हमेशा ओवरलुक कर जाते हैं कि हम उस पर क्या लगा रहे हैं। हम बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं काजल का अपनी आंखों की ब्यूटी को एनहेंस करने के लिए, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि उस पे जो प्रोडक्ट है वो टॉक्सिन फ्री है या नहीं है, हमारी आंखों के लिए सेफ है या नहीं है। कि हम हमेशा ऐसे सोचते हैं कि अगर काजल है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना होगा तो वो स्मच प्रूफ नहीं होगा, लॉन्ग स्टे नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ, तो मामाअर्थ के काजल है फ्रेंड्स, ये इंडिया फर्स्ट मेड सेफ सर्टिफाइड काजल है विद द गुडनेस ऑफ कैमोमाइल एंड कैस्टर ऑयल। ये एकदम नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने और हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छे है। एक है चारकोल ब्लैक लॉन्ग स्टे कोल और एक है चारकोल ब्लैक लॉन्ग स्टे काजल। देखिए मैं आपको काजल का स्वॉच करके दिखाती हूँ, अभी हम लगाएंगे कोल, आइए तो स्वॉचेस आपके सामने, मैं इसमें आपको स्मच करके दिखाती हूँ, स्मच नहीं होंगे। अभी मैं आपको पानी डाल के भी दिखाती हूँ, ये देखिए एकदम स्मच प्रूफ है और वाटर प्रूफ है, दोनों फेवरेट है, लेकिन मुझे ज्यादा कोल पसंद है तो मैं कोल वाला लगाऊंगी। सामने नहीं दिख रहा है तो मैंने मिरर में जाके लगाया। फ्रेंड्स ये काजल की ये खासियत है कि वीगन है, टॉक्सिन फ्री है, 11 आवर्स तक स्टे करता है, वाटर प्रूफ है और इसमें कोई भी टॉक्सिन नहीं है। चारकोल ब्लैक लॉन्ग स्टे कोल बना है कैमोमाइल से और साथ साथ कैस्टर ऑयल से। कैमोमाइल जो होता है फ्रेंड्स हमारी सोर आइज के लिए बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग होता है, बहुत ज्यादा सूदिंग सा इफेक्ट देता है, एंटी इंफ्लेमेटरी भी होता है और साथ साथ हमारे आंखों के इरिटेशन को भी दूर करता है। कैस्टर ऑयल होता है वो
हमारी आंखों को बहुत ज्यादा हेल्दी रखता है, साथ साथ हमारी आंखों को इन्फेक्शन से भी बचाता है। और आपको तो पता है कि मामाअर्थ के सभी प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने होते हैं। मामाअर्थ की एक बहुत ही अच्छी बात है उनका प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव। आप जब भी उनसे कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो आपका वो ऑर्डर एक ट्री के साथ लिंक कर देते हैं जो कि उन्होंने प्लांट किया होता है, तो आप वो ट्री को ट्रैक भी कर सकते हो अपनी ऑर्डर आईडी के साथ उनकी वेबसाइट पे जाके। इस तरह से फ्रेंड्स आप एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट तो यूज ही कर रहे हो, साथ साथ एनवायरमेंट के लिए भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो। और फ्रेंड्स मामाअर्थ जो है प्लास्टिक पॉजिटिव भी है, वो जितना प्लास्टिक यूज करते हैं उससे कई गुना ज्यादा रिसाइकल भी करते हैं। आपको भी मेरी तरह ये काजल अच्छे लगे हैं तो आप इसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका, मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप से ले सकते हो। अगर आप मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप से जाके लोगे तो मेरा कोड यूज करना मत भूलिएगा जो कि है SABA2021, तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अभी मैंने लंच नहीं किया है, मैं खा रही हूँ बादाम क्योंकि हम बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं, वहीं पर टाइम मिलेगा तो हम कुछ खा लेंगे। और ये भीगे हुए बादाम बहुत हेल्दी भी होते हैं। फ्रेंड्स अभी हम लोग निकल गए लोखंडवाला के लिए, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो मम्मी से पूछते हैं कि आज वो मुझे क्या क्या दिलाने वाली है। क्या दिलाओगी? तो जो कहोगी मैं दिला दूंगी। ठीक है देखते हैं। अभी दर्द तो नहीं है? नहीं, बहुत कम है। यहाँ पे मम्मी नाजा खाला से बात कर रही हूँ कि नाजा खाला आज हमारे भोपाल वाले घर में गई थी वहाँ पे कुछ सफाई कराने, तो मम्मी बहुत खुश हो रही है। अबे वही है क्या? ठीक है ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा कर दे। यादें जुड़ी भोपाल वाले मकान से, सच में बहुत देख के मैंने सुबह सालों से बोलो मंगा, मुझे बहुत याद आती है, देख लिया तो इतनी देर से ट्रैफिक में है, लंच भी नहीं किया था, अब तो भूख भी लगा। रुको रे भैया, उसको रो भैया, एक मिनट साइड में ले लो, निकाल लो। हाँ निकाल लीजिए, बच्चे भी ना, हमने उनको चीज नहीं ली, पैसे दे दिए, अब एक से ले लिया, खरीद लिया, वो भी करा दे दो, अब 20 दे दिए, अब 3 रुपए और दे दो। चलो ये आपके लिए। अच्छा मुझे यहाँ भी फूल मिल गया। आपको पसंद है ना? अभी ये मेरा पूरा चिल्लर से भरा हुआ था, पूरा खाली हो गया। अच्छा फ्रेंड्स जब से ये जी पे और कार्ड पेमेंट की आदत हो गई ना तो मैं कैश ले जाना ही भूल जाती हूँ। अच्छा वो चिल्लर वाला पर्स ले आई थी, आगे जाके क्या हुआ हमने होटल में खा लिया और मेरे पास कैश ही नहीं था, फिर मम्मी को बैठा के गई, फिर कैश निकाल के लाई। अरे इतना खुश हो गया, मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा। सुबह होती हूँ, मैं पूछती हूँ तुम्हारी सारे दोस्त अच्छे हैं, मैं वही बोलूँगी कि आप क्या देख रहे हैं, मेरे लग सबा। अच्छा स्वीट, अब हमें बहुत अच्छा लगा। फ्रेंड्स इस वक्त इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, इतना ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा था, हम आपकी फैमिली का हिस्सा बन पाए हैं, आप लोग इतना प्यार देते हो, इससे ज़्यादा क्या चाहिए लाइफ में। तो मच, चलिए तो अम्मी कितने प्यार से मिले वो लोग। आराम से आप भी आज रिजा नहीं, आज आप मेरा वीडियो शूट करोगे जो मैं खरीदूं। नहीं बने मम्मी की ना अनारकली थी तो मुझे इसका स्कर्ट बना लूंगी, इसके लिए कुर्ती और दुपट्टे के लिए कुछ और चाहिए, जो भी कंट्रास्ट से कपड़ा जाएगा। अनारकली से आपका स्कर्ट बन रहा है। हाँ। तो याद है भाभी ने अपनी शादी के टाइम लिया था, फिर वो कुछ बना ही नहीं था वही, तो मैं सोच रही हूँ की ऐसा तो नहीं बहुत पुराना तो नहीं हो गया, चलता है ना बीबी? ये कपड़े हमेशा चलते है, प्लेन देता, प्लेन है, एक बार पहनना है। हाँ। फिर बाद में बहुत कर रखा है। ठीक है, पक्का अभी नहीं जा रही, भाई पापा की तबीयत सही नहीं है ना थोड़ा सा भी, तो इसलिए नहीं जा रहा है। अभी नया क्या, ये वेलवेट नया आया है, फंक्शन आएगा तो ले, तब ले लेना, तुम्हारे बर्थडे में बनवा देना। तुम देख रही हो, तुम्हारा मुँह देख रहा है। बैग ले लेते हैं, लाइट बर्फ आज के लिए। ये कैसे दिया ग्रीन लाइट, आपको कौन सी चाहिए? ये कौन सी पसंद है? मुझे तो ये अच्छी लगी। ठीक है यही देखो, बताओ कौन सा उन्हें अच्छा लगेगा। ये क्या चाहिए हमने डॉक्टर चप्पल में, ये सब सॉफ्ट है, कुशन, वो घर वाली नहीं है? नहीं, लेकिन ये घर में भी पहन सकते। अभी बज गए हैं 8:07 और हमारा काफी कुछ काम हो गया है, सिर्फ लेसेस बची है जो मैं नहीं ले पाई क्योंकि मेरी बिल्कुल भी बैटरी नहीं बची थी। अम्मी थकी? चलो शुक्र है अम्मी नहीं थकी, तो अम्मी में अच्छी एनर्जी है माशाल्लाह। हमने रिजा रेहान खाला लोगों के लिए खाना भी लिया था, तो फिर कोई मतलब नहीं इतना लेट जाएंगे। तो जमील भाई को कपड़े देने हैं। हाँ। और भाई और भाभी जहाँ के रोल खाते हैं हम वहाँ पे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। अच्छा हम लोग आ रहे हैं 2 मिनट से, आप हमारे कपड़े लेके बाहर आ जाइए। पहुंच गए यहाँ पे कार्टर्स ब्लू जो कि मलाड में है, वहाँ पे ऑर्डर दे दिया है, जब तक बन के आएगा। बैठ के गाने सुन रही हूँ, आप भी सुन लीजिए। हम भी सुन रहे पुराने गाने अपने जमाने के, आपके अम्मी के जमाने के। ये वाले रोल्स की इतनी ज्यादा डिमांड है कि हम लोग पिछले आधे पौन घंटे से यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन अभी तक नहीं आए। चलो फाइनली मिल गया। 2 नवंबर के बाद मॉल जा सकते हैं, हमारी 2 वैक्सीन हो जाएंगी। उसको बोलो नीचे से भैया से बैग लिया। हेलो तारक मेहता, जब से तुमने दिन भर देखा होगा नहीं, मैं कोचिंग चला रहा हूं। टीवी देखी है ना दिन भर? नहीं पूरा, मैं तो पढ़ा और ये अपनी कोचिंग के लिए चले गया और सोता है पूरा। बंद करो। 3 शॉर्मा होंगे ना, ये वाला ऊपर का रहने दीजिए, अभी अम्मी जा रही है तो दे देंगे। तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ भैया? क्या हुआ? उसकी वॉशरूम नहीं हो रही है। हाँ भैया ठीक है, बाय। क्या हो गया बेटू को, क्या हो गया? आपने कहा रोटी बना ले, वो ले आएगी सालन तुम्हारा, ये चिकन। हाँ। तो ऐसा हो सकता है कि सालन पे हम रोमानी रोटी ना लाएगी, रोटी सिर्फ आओ के लिए बना। अच्छा अम्मी कह रही थी कि रोटी आज बेटी खाला बनाएगी, रोटी मत ले चलो। हाँ। मैंने कहा अम्मी रिजा को तो इंतजार रहेगा, नहीं मैं आवा की बात में आ जाती हूँ, नहीं लाती। तो मुझे चिकन ज्यादा पसंद नहीं, अगर मुझे पसंद है रोटी पसंद है, अगर वहाँ जा रहा है रोटी नहीं लेके आया तो कोई मतलब नहीं। टाइम निकल गया, मैंने दिन में खाया था 4:30-5 बजे। हाँ, हाँ, और अब मैं क्या करूं, मुझे 8:30 से पहले खाना था। लंच किया है। हाँ, डिनर नहीं किया। तो एक काम करना, कल एक्स्ट्रा 2 घंटे सो लेना। 2 बजे खाती हो? हाँ। तो तुम कल 4 बजे खा लेना, 2 बजे चाय पी लेना, 4 बजे खा लेना, ठीक है? अभी खा लो। एक पेटी खाला, दिवाली की वजह से बहुत भीड़ थी। अब तुमने गुलाब जामुन थोड़ी ना मांगे थे, रोटी का रहता है गुलाब जामुन। गुलाब जामुन पता है? कैसे पता? आपने कैमरा उठाया, मुझे लगा गुलाब जामुन दे दो। बेटी खाला को कितना ज्यादा खुशी से रो रहे थे, लेकिन हमसे भूला नहीं गए, हमें 2-3 बार उसकी याद आई है। सब आगे गली मिली गली सब, और एक जहाँ हम गए थे होटल, वहाँ पे एक फैमिली मिली, क्योंकि हमने दुआ मांगी थी कि अल्लाह वो लोग आज मिल जाए। काश मैं आज और कुछ मांगती, लेकिन जो मैंने दिल से मांगा मुझे सब मिली। इतना ज्यादा खाना पसंद है, कम से कम आप उसका नाम तो सही से सीख लो। अम्मी तो सीखती तो हूँ बेटा, क्या करूँ, जितना मेरा दिल जनता में। पूडन लोखंड वाला जाते हैं तो पूडन से खाना खाते हैं। लोखंड वाला जाते हैं तो फूडन से खाना खाते हैं। चलो फ्रेंड्स, अम्मी ने काफी अच्छे से बोला, धीरे धीरे और सीख जाएंगे, ठीक है? हाँ। बहुत अच्छा लगा आज जाके वहाँ पे, कोई ना कोई हमें हमारे पहचान का मिलता है, हमारा सब्सक्राइबर हमारी यूट्यूब फैमिली में से कोई एक, और बहुत खुशी होती है मिलके। और एक जो फैमिली मिली थी उन्होंने तो दिल जीत लिया, उनके जो खुशी के आंसू थे ना उसमें इतना ज्यादा प्यार झलक रहा था कि हम उसे वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अम्मी से मिलके इतना ज्यादा खुशी के हम सच में अल्लाह का लाख लाख शुक्र। करीबी से बिल्कुल निपट के ऐसे रोए कि मुझे भी बहुत लगा कि क्या चाहने वाले पड़े हैं बेचारे। सच में दिल से थैंक यू। मैं जबरदस्ती मीठा खिला रही हूँ दोनों। दिन भर घूमी मेरे कहने से, पूरा दिन घूमी, कुछ भी नहीं मीठा वहाँ खाया। देखो केरी अभी आखिरी का, और अब ये नहीं लूंगी। एक 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 में दोनों ने खा लिया। नहीं नहीं अम्मी, अब आप पक्का मैंने आपके लिए खा लिया। अम्मी हमने तुमको कहा था चलो आज कार थी, आगे आगे अम्मी कार में चलो, हम जान गए थे कार उल्टी करते चलो कार में। नेक्स्ट टाइम ऑटो में चल, अम्मी नेक्स्ट टाइम ऑटो में चल। हाँ इनको ले जाना तुम, इनको खिला के लाना, होटल दिखाना कितनी चलती है। कौन सी होटल? पूडन पूडन हाँ तुम और कंफ्यूज करते। पूडन हाँ गुड 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 शाबाश। तुम कहाँ जा रहे हो? नीचे बारहवीं शरीफ हो जाए फिर चलना। हाँ उसके बाद कहते भैया ये लगाने वाले आए थे, वो बोल रहे कि आज कुछ ज्यादा काम है इस पे, तो इसलिए कल सामान लेके आएंगे तब लगाएंगे। कल कर देंगे ना।
अब फ्रेंड्स मैं पीऊंगी ग्रीन टी और उसके बाद मैं जाऊंगी वॉक पे। तक बज रहे हैं 11:19 या 20, अभी हम जा रहे हैं वॉक पे, क्योंकि वॉक नहीं होती है तो फिर टेंशन होती है। वैसे आज मार्केट में बहुत ज्यादा चले हैं, लेकिन अभी 3-4 दिन से मैं और रिजा कंटिन्यू 2 घंटे वॉक कर रहे थे, तो आज से 2 घंटे नहीं हो पाएगी, जितनी होगी उतनी करके आते हैं। पहले नहीं गई वॉशरूम, तुम भी आ जाना बेटी खाला। आप क्या कर रही हो? कपड़े धो रहे बेटा। इस टाइम कोई कपड़े धोता है? फ्रेंड्स आज लग रहा है हल्का सा ठंड का एहसास ना रिजा? हाँ हल्का हल्का लग रहा है आज, मतलब ऐसे सर्दी नहीं है लेकिन हल्की सी ठंड की शुरुआत की झलक मिली है। कहाँ बिल्ली वाली बिल्ली है तुम्हारी? बिल्ली कब से हो गई? मैंने 2 बनाई थी। देखो फ्रेंड्स बिल्ली कैसे सो रही है। बिल्ली ए बिल्ली उठ गई। अच्छा सो जा कि नींद खराब कर दी हम लोगों ने। बस हो गई, कटल वॉक पे आता है, फिर 5 मिनट नीचे की ताजी हवा लेता है, उसके बाद घर जाता है। और यहाँ पे ये दोनों बैठे, और ये हमारे सोसाइटी में हमारे क्यूट से सब्सक्राइबर्स, उनके कुछ रिलेटिव्स भी आए थे हैदराबाद से। कितना प्यारा, बस दूर रख बेटा, कर बेटा, थोड़ा सा डर लगता है, अभी तो सीधा हो गए, कुछ नहीं कर रहे, गुड बॉय। तो क्यूट, क्या नाम है तुम्हारे? देख रहे अल्लाह। हाँ मैं फोन छोड़ के चली जा रही हूँ अपना। रेहान कितना खेलोगे? रेहान मुझे भी खिला लेना, कल खिला लेना। इसकी अम्मी कह रही है कि इसके अब बाल कटा दो, तुम बताओ गंजा करा दो? कराऊंगी इतने इतने वाले। नहीं 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 करूंगा। ये देखो, अरे कैसे बताऊँ, मतलब मुझे ये चाहिए सिर्फ ये खड़े रहे। नहीं 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 इतने नहीं होंगे, इतने नहीं, ऐसे ही होगा, नहीं कराऊंगा। अगर तुमने करा लिया तो मैं तुम्हें अच्छा वाला बैडमिंटन दिला दूंगी। पक्का? हाँ मुझे चाहिए। इतने इतने बाल कराने चाहिए पड़ें? तो फिर चाहिए। इतने बाल करा लोगे? अंदर से टकली दिखनी चाहिए। अरे हाँ नहीं, मेरे पास है मेरा रैकेट, फिर ठीक है ना, मेरे पास अभी पड़े हैं मेरे पास रैकेट। बाल तो मैं तेरे वैसे भी कटाऊं, लेकिन मैं इतने ज्यादा नहीं कटने दूंगा, वहाँ पे तुम्हारी नहीं चलेगी। अम्मा का पर्स दे दो। दे दिया। हाँ, अच्छे से अच्छा लगे तो बताओ। नहीं कुछ हो तो यहाँ रखना। हम वाले टांग लिया पर्स, ऐसे कॉलेज जाते हैं। फ्रेंड्स अब नहीं, बस आपकी दुआ है। फ्रेंड्स ये सारी चीजें अब मैं इसलिए इनको दिला रही हूँ क्योंकि जब से ये लोग आए थे, आपको पता है मैं कोई चैलेंज करती हूँ, कभी कुछ करती हूँ, और इनसे पूछती रहती थी आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, तो ये सारी चीजें ड्यू थी। तो अब जाने का टाइम आ गया, तो अपना वादा तो पूरा करना ही है, तो ये हो गया। अभी बची सिर्फ जूती, वो आज नहीं मिली। क्या वादा? मेरा कहा है तुम्हारा कौन सा? वो चैलेंज कितने जीता था नूडल्स का? अभी टाइम है, ये बेटी खाला की। अरे वाह, अम्मी अम्मा को चल लेंगी इसमें? चल लेंगी। हाँ ये तुम्हारी अम्मा। अच्छी है चप्पल? अच्छी है, बहुत अच्छी है, डिजाइन कलर। अम्मा नहीं तो अम्मी देखो, बड़ी तो नहीं, नहीं तो फिर आप ले लेना। और इधर आवा ने ये वाली लाइट पसंद की है, तुम्हें जो नहीं पसंद है ये मल्टी कलर जलती है। ग्रीन नहीं होती पूरी, मल्टी कलर। हाँ। लेकिन चल, अरे ग्रीन और येलो करना चाहिए। यहाँ कर्टिन के बीच में लगाएंगे हम। अच्छा आपको पता है कि मिलादुन्नबी है 2-3 दिनों में, और हम लोग काफी दिल से और खुशी से मनाते हैं, तो उसी की तैयारी के लिए जैसे हम लाइट लाए हैं, और अभी हम कल बालकनी को भी थोड़ा ठीक कराएंगे क्योंकि वहाँ पे लाइट्स लगवाएंगे, और जो भी करेंगे वो आपको इंशाल्लाह बताएंगे, है ना। मैं आपको अच्छा खाना भी बनाऊंगी रिजा के लिए। क्या है? उनके पास पिंक लेगिंग नहीं थी, तो ये हमने तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा ले लिया, कभी भी किसी के साथ पहन लो इसको। अम्मी अभी कल जाके पिंक कलर की दिला देंगी। हाँ। और पिंक स्टॉल तो ये हाँ। फेस्टिवल वाले दिन अच्छा लगेगा। हाँ, है ना? अच्छा हैप्पी? हाँ। क्या जिसने चैलेंज नहीं किया उसको जल्दी मिल गया, जिसने करके जीता उसको नहीं मिला अभी तक। सही कह रहा है, तुम बोलो तो मिला तुम्हारा। रेहान ये उसको चैलेंज के लिए नहीं दिलाया बेटा, ये उसको मिलादुन्नबी में पहनने के लिए दिलाया। ये जो अम्मी को पिछले बार दिलाया था ना हमने 800K में, उसका दुपट्टा ये अम्मी ने इस बार मैचिंग का डाई कराया है। व्हाइट बहुत बार उड़ती रहती है, फिर सारे लखनऊ में व्हाइट व्हाइट व्हाइट, इसलिए इस बार सेम कलर करा ली है ना। इसका नीचे का बन जाएगा, और ये कपड़ा लिया है ये, और इसके साथ ये इसका दुपट्टा। अच्छा अम्मा जो सारी ने बोला था कि मैं अम्मी की ड्रेस का जरूर बनाऊंगी। हाँ मैंने आपको कहा था ना मैं अम्मी के ड्रेस को रिक्रिएट करूंगी, तो हम इसका कुछ करेंगे। वो कैसा लगा ये कॉम्बिनेशन आप मुझे बताइएगा। अच्छा अम्मा, इसमें और इधर कुछ लगवा लेंगे, आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा, जब हम पहनेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। आज जैसी मैं शर्ट पहने थी, वो शर्ट मुझे भाई लाए थे जब पापा एडमिट थे, आपको याद है ना, शॉपिंग पे गए थे, तो मुझे वो शर्ट बहुत अच्छी लगी, और अम्मी को भी बहुत ज्यादा अच्छी लगी क्योंकि उसका जो मटेरियल था
बहुत फॉलिंग था, तो मैंने वहाँ पे भगवान कलेक्शन में कहा कि मुझे ऐसे मटेरियल चाहिए, कि मुझे ये मटेरियल मिला है और आजकल ये टाई एंड डाई बहुत चल भी रहा है, तो मैं इसकी देके जमी भाई को वैसी सेम शर्ट बनाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लग रही। और एक मैंने अपने लिए की लखनवी कुर्ता लिया था क्योंकि वहाँ पे जाएंगे तो हमेशा तो इतने हैवी नहीं पहनेंगे, बहुत सारी जगह जाना रहता है, तो हो सकता है मैं ऐसे कुछ पहन के जाऊँ क्योंकि काफी कंफर्टेबल रहते हैं और बहुत अच्छा फील होता है। तो ये वाला और एक ये कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था, न्यू कलर है और देखो इसके पीछे बटन है, तो समझ में नहीं आता कि आगे से है या पीछे से है। उन्होंने कहा कहाँ से है भैया ये, तो उन्होंने कहा ऐसे पीछे बटन आएंगे। तो फ्रेंड्स आज नेक्स्ट डे हो गया है और ये पीओपी वाले भैया ने आके काम स्टार्ट कर दिया है और देखिये काम कम्प्लीट हो गया है। इसके आगे की तैयारी आप नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।